राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय पर माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर बीजेपी के नेता भगवान दास सबनानी ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि मनाई। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राजू मालवीय ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी या तो नानी के यहां आ गए होंगे या कोई दूसरी दुनिया में होंगे। जब HT पर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा था, वह किसी भी काम के लिए सरकार को कहते थे तो सरकार का जवाब हमेशा ही नकारात्मक होता था। माधवराव जी ने मध्य प्रदेश में अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा सहयोग किया। आज उनकी 76वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दीनदयाल परिसर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय राजनीति में गौलोकवासी माधवराव सिंधिया जी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान था। वो शुचिता के लिए भारतीय राजनीति में जाने जाते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, इस अवसर पर हम सब उन्हें पुष्पार्पण करते हैं, शत शत नमन करते हैं। राहुल गांधी जी आज जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कल ना या तो वो नानी के घर होंगे या इस दुनिया से भी कोई दूसरी दुनिया होगी जहाँ पर वो होंगे। जब मध्य प्रदेश की धरती पर पल प्रतिपल माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा था, अगर वो किसी भी काम के लिए जनहित, क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत तो कोई काम था नहीं, जनहित के किसी भी काम के लिए सरकार को कहते थे तो सरकार का जवाब सदैव नकारात्मक होता था। उन्होंने कुछ मामलों में उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं सड़क पे उतरूंगा, तो अगले दिन कमलनाथ जी कहते हैं तो उतर जाऊं। ये सारी बातें क्या राहुल गांधी जी को पता नहीं थी कि आप प्रियंका जी के ध्यान में नहीं थी या सोनिया जी जानबूझकर नज़रअंदाज उस समय कर रही थी। एक वो नेतृत्व जो सिर्फ जिसकी अपनी राजनीति जनहित के कार्यों के लिए समर्पित होती है, और वह भी वहाँ भी उसकी भी वो सुनवाई नहीं हुई। जिस तरह से उनको वहाँ अपमानित किया गया, आज वे जब हमारे परिवार में हैं तब राहुल गांधी जी का ये कहना कि वे कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री होते बहुत हास्यास्पद है। आज वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ। कांग्रेस अपने दल के बारे में भविष्यवाणी करे तो मुझे लगता ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने दल में कुछ कर भी सकती है और दल के बारे में जानती भी है। जिस दल के बारे में कांग्रेस को कुछ पता नहीं है उसके बारे में भविष्यवाणी करने का उनको अधिकार भी नहीं है।